जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तब हम नहीं भागे थे, जबकि पढ़े लिखे थे, मेरा अपना बिजनेस था चेन्नई में, रह जाते, क्यों आते इस गंदगी में। जिस विचारधारा को जिंदा रखना था उस विचारधारा को जिंदा रखना है, हम लोग को लंबा पीढ़ी तक साथ रहना है, और ये सीटी है स्वतंत्र रूप से लड़ने वाला, क्यों कि सरकार से मांग कर सकते हैं। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो किसी की सरकार रहेगी, विरोध के लिए हम मांग कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि तिरहुत में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आपको मालूम है कि तिरहुत एमएलसी उपचुनाव दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे कि आखिर तिरहुत में किसका पलड़ा भारी है। देखिए, आपको मालूम है कि मैदान में आ गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन भी, और राकेश रोशन के मैदान में आने से ही तिरहुत का रण और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। देखिए, आपको लगातार लाइव सिटीज बता रहा है कि किस तरह से राकेश रोशन मीटिंग्स कर रहे हैं, किस तरह से राकेश रोशन लोगों के बीच जा रहे हैं और बिल्कुल माहौल बना रहे हैं, खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं, लोगों से कई सारे वादे भी कर रहे हैं राकेश रोशन। देखिए, आपको बता दे कि आज एक बार फिर से राकेश रोशन ने जनता को संबोधित किया था, लोगों के बीच गए थे और यहीं पर राकेश रोशन भावुक हो जाते हैं, पिता को याद करके पिता की हत्या का जिक्र करते हैं और भावुक हो जाते हैं राकेश रोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया था कि राकेश रोशन भी संबोधित करते वक्त भावुक हो गए, और क्या कुछ कह रहे हैं राकेश रोशन। सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी बड़ी संख्या आज तक तिरहुत में किसी कार्यक्रम में नहीं आया। आप लोग भी देखे होंगे, सब लोग गार्जियन, सब लोग देखे होंगे, इतनी बड़ी संख्या किसी को सुनने के लिए आज तक नहीं आया है। तो बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, आज स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बावजूद शिवहर का बच्चा बच्चा आज यहाँ आया है। हर गांव से लोग प्रतिनिधि आए हैं, हर कस्बे से आए हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और हमेशा आप सबका रेडी रहेंगे, जब तक जिएंगे आपके हर सवालों पे, आपके हर सुख दुख में साथी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तब हम नहीं भागे थे, जबकि पढ़े लिखे थे, मेरा अपना बिजनेस था चेन्नई में, रह जाते, क्यों आते इस गंदगी में। लेकिन गंदगी को सुधारने का काम भी हम ही लोगों को करना है। जिस विचारधारा को जिंदा रखना था उस विचारधारा को जिंदा रखना है, हम लोग को लंबा पीढ़ी तक साथ रहना है, और ये सीटी है स्वतंत्र रूप से लड़ने वाला, क्यों कि सरकार से मांग कर सकते हैं। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो किसी की सरकार रहेगी, विरोध के लिए हम मांग कर सकते हैं। अगर हम किसी दल में चले जाएंगे तो उस दल का नमूना बनकर रह जाएंगे, उस दल के आकाओं को खुश करने में लग जाएंगे। तो हमको तिरहुत की बात करनी थी, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, और आने वाला 2026 का भी चुनाव आपके सहारे ही लड़ेंगे। आपको ठगने का काम नहीं करेंगे, आपके वोट से जीत के जाएंगे और किसी दल में नहीं जाएंगे। 2026 का भी चुनाव इसी प्रकार से लड़ेंगे, जो हम लोग गांव गांव में जाएंगे, जो वोटर बच गए उनको भी बनाएंगे, और जो लोग साथ में है कंधा छोड़ना नहीं है, साथ में चलना है, जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, जब तक बढ़ेंगे साथ में बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, राकेश रोशन ने बड़ी बात कह दी है, जनता से कई सारे वादे भी कर दिए हैं, और साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक मौका चाहिए, ये मौका हमें तिरहुत के विकास के लिए चाहिए, ये मौका हमें जनता के लिए चाहिए। क्या कुछ कह रहे राकेश रोशन वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत।